उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। केंद्र की भाजपा सरकार पिछले साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच दोबारा विश्वास पाना चाहती है, मगर वही कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के चुनावी वादों को पूरा न करने का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की तैयारी में है। इन सबके बीच गाजीपुर से हाजीपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग अपने बदहाली के लिए एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनने को तैयार है। बलिया की खस्ता हाल सड़कें चर्चा का विषय बन रही हैं। यहाँ की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो सुगम यातायात की कल्पना से परे हैं। NH 31 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने की काफी समय से मांग की जा रही है, जिससे छोटे जिलों को महानगरों से जोड़ा जा सके। 8 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बलिया जिले का दौरा किया और जिले के लिए कई घोषणाओं की बौछार की। इस घोषणा में सबसे पहले गाजीपुर से हाजीपुर NH 31 को 4 लेन करने की बात हुई थी और वर्ष के अंत तक कार्य आरंभ करने का वादा भी किया था, लेकिन कार्य आरंभ नहीं हुआ। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। NH 31 है, क्या स्थिति है? स्थिति है कि यहाँ गड्ढा मुक्त मने जो बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग चलने में सुबह से शाम तक इतना परेशानी होता है कि उसका कई जवाब नहीं है। ठेहुन भर से ऊपर गड्ढा, यहाँ पर हर जगह हर किलोमीटर पर आप देख सकते हैं, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है। मंत्री आए थे, कहते इसको NH बना देंगे, 4 लेन, अभी कुछ शुरुआत हुई क्या? कहीं कोई शुरुआत नहीं है। ये हम लोग 5 साल पहले से ही सुन रहे हैं और यहाँ पर कोई भी आज तक यहाँ पर गिट्टी तो पड़ा ही नहीं, बनाना तो दूर की बात है। जी, क्या स्थिति है नेशनल हाईवे की? जर्किंग की हालत तो आप देख ही रहे हैं। जैसा कि आने हर साल विधानसभा चुनाव जब आने को होता है तो हमारी केंद्र सरकार हो चाहे UP गवर्नमेंट हो, हर साल वो सिर्फ वादे करके चली जाती है। NH 38 का आलम यह है कि आदमी जिस तरीके से चलता है उस तरीके से आदमी को बाइक चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना होता है। कभी कभी गड्ढे युक्त सड़क में रात में आदमी अंधेरे के मौसम में गिर जाता है, जिसमें हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अस्पताल की पोजीशन यह है कि यहाँ से जाने के बाद कायदे से इलाज भी संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो फिर आगामी चुनाव आने वाला है तो क्या लग रहा है, फिर से एक वादा मिलेगा लोगों को? बिल्कुल ये तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इसको नेशनल हाईवे बनाने का माननीय नितिन गडकरी जी ने वादा किया था, बट आज ये हो नहीं पाया अभी तक। जब जब चुनाव आते हैं तब तक ये सब नेता लोग वादा करके चले जाते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद भूल के चले जाते हैं।